एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय चैनल कॉर्जी समीत होममेकर। कैसे हो सारे? सॉरी, कैसे हो सारे? सुमित, मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशली कहा कि अपने व्लॉग या वीडियो बीच हिंदी नहीं यूज करनी, तू पंजाबी बोलनी है, जो तू है वही दिखाना है, हिंदी नहीं बोलनी। बट फिर भी थोड़ी बहुत ही कई बार मुझ है ना वीडियोज देख देख के, यूट्यूब की वीडियोज देख देख के मुंह में हिंदी निकल जाती है। बट उन्होंने मना किया कि बिल्कुल हिंदी नहीं बोलनी, पंजाबी बीच ही सब कुछ बोलना है। अज मैं कर रही हूँ छोटा जहा ब्लॉग, इवनिंग ब्लॉग। जी थानू पसंद आया तो प्लीज मैं रिस्पॉन्स जरूर दो, कॉमेंट करके जरूर दस्यो, सो दैट मैं अगो ब्लॉगिंग करूंगी। नहीं तो फिर मैं जिमें कुछ भी वीडियोज, जिमें बाकी वीडियोज हैं मेरिया कुछ ब्यूटी टिप्स न रिलेटिड या कुछ होर दुध वाला है, तो एवं कुछ वीडियोज बनाया करूंगी। तो प्लीज मैं कॉमेंट करके जरूर दस्यो, जो पसंद आया तो मैं अगे कॉन्टिन्यू करूंगी ब्लॉगिंग, अदरवाइज नहीं। तो अज के ब्लॉग में कुछ नहीं, मैं चाह बना के हटी हाँ, चाह पी के हटी हाँ। तो उस तो बाद अज असी जाना है, थर्सडे है, तो अज असी जाना है पीर बाबा जी। पीर बाबा जी साड़ी गली में ही बने हुए उन्होंने पीर बाबा जी, तो आप कह सकते हैं जो उन्होंने बिल्डिंग होंगी पीर बाबा जी वाली, वो साड़ी गली में ही बनी हुई है। तो उत्थे थर्सडे नूं सारे लोग आके मत्था टेकते हैं। तो मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ ने सुख्या सी मैनू एक्चुअली ना थोड़े दिन पहला गढ़ हो गया सी। गढ़ हुंदा ना जो पिंपल की तरह हुंदा है मेरी बॉडी ते, गढ़ हो गया सी तां बहुत पेन च सीगी मैं। अज तों 15 दिन पहला बहुत ज़्यादा पेन च सी। ते फिर मम्मा ने सुख्या सी कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ च सीगी उस टाइम, पीक पस भर गई सीगी उहदे विच। तां उन्होंने सुख्या सी कि मैं ठीक हो जा, तां थर्सडे वाले दिन जाके शक्कर वाले चावल ते नमक एंड झाड़ू चढ़ावांगी। तां थर्सडे है तां मैं हूँ ठीक हाँ बिल्कुल, तो बस थोड़ा जहा जख्म है हौली हौली भर जाएगा। पर मम्मी कहें कि अज आप जाके मत्था टेकना है, पीर बाबा जी जाके मत्था टेकना है, तो मैं अच्छ मिठे चावल बनाऊंगी शक्कर वाले, तो उस तो बाद जावे आप पीर बाबा जी। तो मैं ट्राई करूंगी कि उत्थे वीडियो जरूर बना सका। तो चलो चलिए हूँ बनाने शक्कर वाले चावल, क्योंकि बहुत लेट हो रही है, शाम ऑलरेडी हो चुकी है। तो चलो चलिए बनाने शक्कर वाले चावल। छो सताल, मेरा ड्राई फ्रूट अगे ही टूटिया हुआ है। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो की मैं सत श्रीकाल करो। अच्छा तुम्हें हाथ जोड़ के फिर कैसे हो सारे, बोलो बोलो पहले कैसे हो। ए शर्मा शर्मा बोलो बोलो किचन च। ते हुण शक्कर वाले चावल बनाने लई मैं तवे बनानी आ। चावल जिवें मिठे चावल हुंदे शक्कर वाले, तां जिन्ना जिन्ने चावल उन्ने ही शक्कर, जिवें एक गिलास चावल तां एक गिलास शक्कर, दो गिलास चावल तां दो गिलास शक्कर, डेढ़ गिलास चावल तां डेढ़ गिलास शक्कर। तां अज मैं बनाऊंगी डेढ़ गिलास चावल, क्योंकि उत्थे बच्चे काफी हुंदे हैं, बच्चों विच वंडदा के प्रसाद ही है। ते चलो चलिए बनाने हैं, बहुत देर होगी, मम्मी करदे कह रहे कि बना लै, पर मैनूं इह सी कि मैं एक बार ब्लॉग शुरू कर लां। तो पर मैंने इन्ना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग का, बट मैं एक दो ब्लॉग पहला पाए हुए हैं, तो इस करके अज मन कर गया पाने का। मैं अपना फोन टिकाया हुआ है सर्फ के डब्बे रख के, क्योंकि ट्राईपॉड टूट गया। तो मैं इन्होंने कल भी कहा कि सैट कर दो, बट ये ऑलरेडी बहुत थके आए थे, तो करके मैं भी जोर नहीं दिता। सारी होगी सारी बना दी, ये मैं शक्कर गर्म कर रही हूँ, सवा गिलास चावल बनाने हैं, मैं सवा गिलास शक्कर, तो सवा गिलास चावल मैं वॉश करके रख ले, तो कुकर विच हजे घ्यो नहीं पाया। क्या खेल रहे हो? हम ब्लॉक्स खेल रहे हैं। ब्लॉक्स खेल रहे हो? यस। गुड। मैं जी मैं चावल में तड़का लगाने लगी सी, मम्मी ने मना करता, मच्छर मना करता मम्मी ने, मैं मेनू याद ही नहीं सी कि मैं तड़का नहीं लगाना। मैं सब्जी नहीं बनाती अजे, सिर्फ रोटी बनाती है, चाह वगैरह बना लेनी, सब्जी तड़का नहीं लगाती अजे, क्योंकि अजे जख्म है, जख्म फिर मम्मी मना करते कि हजे तड़का नहीं लगाना। पता नहीं की रीजन होंगे, की रीजन होंगे नानी, जो जख्म हो तड़का नहीं लगाना, सब्जी नहीं बनानी कहते नानी जी, क्यों अच्छा कहते होर पक जाता, ऑलरेडी पकया हुआ काफी हो। अच्छा जो सुक जूगा फिर लगा। अच्छा ता मतलब मम्मी भी कहते होंगे भी थोड़ा जहा हजे आराम कर ला, हजे नहीं लगाना तड़का नहीं लगाना सब्जी, मैं सिर्फ हजे रोटी रोटी बनाती हाँ, वह भी हूँ बना लगी हाँ। हफ्ता मम्मी ने रोटी सब्जी सब मम्मी ने ही बनाई, मैं नहीं कुछ किया,
ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਚਲੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਧੂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਤਨੂੰ ਆ ਹਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹੋਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਰੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਚੱਲ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਓਏ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਲਿਸ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਔਰ ਨਮਕ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਔਰ ਨਮਕ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਸੁੱਖੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਆ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ ਯੰਮੀ ਯੰਮੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਖਾਓ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... ਕਿਚਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋਣਾ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਜਸਟ
पूरे फेस नू क्लीन कर लेने, इस नाल सारी डस्ट भी उतर जाती है एंड स्किन भी सॉफ्ट होती है। तो बस उस तो बाद फिर सोना है। तो यह ब्लॉग किवें लगे प्लीज मैं कमेंट करके जरूर दसो, क्योंकि कमेंट्स ही रियल स्ट्रेंथ है। आवाज़ बहुत आ रही है, एक मिनट को वेट करके आगे फेस वॉश करके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी टीवी की। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कॉमेंट करो सो दैट मैं पता चले कि ब्लॉग बनावा या ना बनावा। एंड आई नो मेरी खुद की गलती करके मेरे वीडियोज़ से व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं सी, बट हूँ मैं रेगुलर हुई हाँ। अब मेरी फोर्थ डे दी कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियो पा रही हाँ। मैनू हौसला इसलिए मिल रहा है वीडियो पा दा, क्योंकि मेरी एक वीडियो है हाउ टू अपलोड फुल स्क्रीन वीडियो फ्रॉम योर एंड्रॉयड फोन, वह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिनी हूँ, क्योंकि वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, उसे कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यूज़ भी जा रहे हैं। बट कोई गल नहीं, हौली हौली सब कुछ हो जाएगा, हौली हौली व्यूज़ भी आएंगे, हौली हौली कॉमेंट्स भी आएंगे। सो प्लीज़ कीप इन टच। बस यही कहना चाहती थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।